किधर छुपाता ये ड्रॉवर में क्या कर रहा था तू? हाँ क्या कर रहा है उधर? कुछ नहीं, पेन ढूंढ रहा था मैं। तो पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं तुझसे, पेन ढूंढ रहा है तू? किसको उल्लू बना रहा है? क्या रखा है ड्रॉवर के अंदर? चल बता मुझे। अरे कहा ना कुछ नहीं, पेन ढूंढ रहा था, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। चल अभी हटा सामने से, मेरे को देखने दे ड्रॉवर में क्या। चल हट। अरे ये तो रिजल्ट है, इतना गंदा। और पीटीएम कब हुआ? मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। अरे वो सर थे नहीं ना, तो सर ने पहले बोल दिया था कि घर लेके चले जाओ, बाकी तो तैयारी अच्छी से हुई नहीं थी। तो अगली बार पक्का मेहनत करूंगा मैं। तो मैं कैसे मान लूं है कि तू सच बोल रहा है? ये क्या, तो तेरे टीचर का फोन आ रहा है। अरे कट कर दो, कट कर दो, मत उठाओ फोन। अरे यार मत उठाओ ना फोन प्लीज। ऐसे कैसे फोन काट दूं? रुक बात करता हूँ तेरे सर से, कुछ तो गड़बड़ किया होगा इसलिए इतना भौंक रहा है। हेलो किट्टू के फादर बोल रहे हैं, मैं उसका टीचर गोडबोले बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए गोडबोले सर, अचानक से कैसे याद आ गई हमारी। और हाँ मैं किट्टू का फादर बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए क्या काम है, बोलिए। हाँ सर, तो एक दिन पहले पीटीएम था, आप आए क्यों नहीं? मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। क्या पीटीएम था? ये तो मुझे बता रहा था कि आप यहाँ पे हो ही नहीं, तो पेपर घर पे दे दिए, ऐसा कैसे? हाँ एक दिन पहले पीटीएम था, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी, आप आए नहीं। मैं कैसे बात करूँ आपके लड़के के बारे में, क्या क्या करता है वो? क्या बात करनी है सर, क्या कर दिया इस नालायक ने अभी? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा सर, आपको मुझे से मिलना ही होगा, मेरे को आपके लड़के के बारे में बहुत ज़रूरी बात करनी है। ठीक है तो फिर चलिए कल मिलते हैं, चलो बाय। हेलो फोन काट दिया सर ने तेरे, क्या कर दिया तूने? है क्या काट करके आया अभी इस बार तू? क्या बातचीत चल रही है दोनों में? आइए मोहतरमा आइए, आप पी के बेटे के बारे में बातचीत चल रही है। टीचर का फोन आया था, कल पीटीएम था, इसने बताया नहीं। कैसा नालायक लड़का ये है, पूरी फैसिलिटीज दे रखी है, ट्यूशन स्कूल बस ये वो सब, पर कुछ नहीं, फोन पे बस दिन भर टिक टुक बनाते रहता है, लड़कियां बन के नाचता रहता है। कैसा लड़का है तेरा है? अरे भूल गया होगा ना, छोटा सा तो लड़का है मेरा। आजकल की जनरेशन इतनी निकम्मी है कि क्या ही बताए। तुम्हारे टाइम में तो अभी फैसिलिटीज तक है, मेरे टाइम में तो एक फैसिलिटी नहीं थी, मेरे बाप ने दी मुझको बिल्कुल भी। है मुझको एक पहाड़ और एक नाला तैर कर ही जाना पड़ता था, मालूम है कितनी दूर स्कूल थी। रे कितना झूठ बोलोगे बच्चे के सामने हैं? तुम्हारी तो गाँव की लड़की हूँ, तुमको शादी करने के लिए लड़की कौन देता? अरे मैं बताती हूँ लड़की। अरे क्या, इसके घर के बाजू में ना एक रेत का टीला था, और उसके बाजू में ना एक कटर थी जिसमें से बॉल निकाला करता था, और हम दोनों फिर मिलके साथ में स्कूल जाया करते थे। झूठा है तेरा बाबू, झूठा। तू क्या की कर रहा है? और तू किसकी साइड है? और ये छोड़, मुझे मास्टर जी ने कभी ऐसा कभी अकेले में आकर बुलाया नहीं, मेरे को डांटा नहीं, मेरे को ना ही मेरे बाप को बुला के मेरी कंप्लेन की। पूरी दिन मेहनत करता था मैं, बहुत मेहनती लड़का था, मैं कह रहा हूँ तुझको। अरे तुम्हें वो दिन याद नहीं किया जब तुम नौवीं में फेल हो गए थे? तो तुम्हें कैसे नागबिड़े सर ने बहुत सूता था, मैथ्स के लेक्चर में बहुत सूता था। अरे बेटा इसको इतना सूता था, इसका पिछवाड़ा फूल गया था बैंगन के जैसे। 2 दिन तक बैठ नहीं पाए, 2 दिन तक, पता नहीं सुबह को कैसे अपना माल साफ करते थे, है कि नहीं? सही में पापा आपको मार पड़ी थी? मुझे तो आज तक किसी ने नहीं मारा, मैं सब काम कंप्लीट करता हूँ, पता है। वो तो अभी का टाइम है जो तुमको मार नहीं पड़ती, हमारे टाइम में इतना मारते थे कि बच्चा सुधर जाता था। अभी तुमको एक लाफड़ पड़ेगा ना, पूरा ऐसा तुम सीधे हो जाओगे, पढ़ाई लिखाई खेलकूद में सब में अव्वल आओगे, लिख के ले लो। और हाँ वो जब सर ने मुझे मारा ना, उसके बाद से मैं इतना पढ़ता था ना कि जब जरूरत पड़ती ना तो मैं खाते पीते नहाते हर वक्त जाता था, और कभी कभी कुछ बाकी रह जाता था पढ़ने का उस दिन तो मैं वॉशरूम में भी जाके पढ़ लेता था। मैं टाइम वेस्ट नहीं करता था तुम्हारी तरह टिक टुक बनाते फिरूं। हाँ नहीं तो अरे छी, तभी तो वो जरूरत इनकी किताबों में दिखती थी। कभी मैं एब्सेंट होती थी ना तो घर के पास में रहते थे तो मैं इनकी बुक लेके जाती थी पढ़ने के लिए, पर नहीं, पेजेस फटे हुए होते थे और तो कुछ पेजेस ब्राउन होते थे। मैं तो सोचती थी उस टाइम में इतनी अमीर कैसे थी कि ये चॉकलेट खा रहे थे, आज सच पता चला क्या करते थे। छी बाबा छी, पढ़ाई अपनी जगह होनी चाहिए और काम अपनी जगह होनी चाहिए, वरना मिक्स हो जाएगा सब कुछ। किसकी साइड है यार? वो बच्चों के सामने नहीं बोलने का रहता है। और तू की मत कर, पढ़ाई के मामले में बात आती थी ना और रात को लाइट जाती थी तो मैं ऐसा तेरी तरह फेसबुक इंस्टाग्राम पे नहीं बैठता था, मैं लैंप पोस्ट के नीचे जाके पढ़ाई करता था, समझे ना तुम? मैं टाइम वेस्ट नहीं करता था तुम्हारी तरह। सुबह पढ़ना चाहिए था ना तुमको, तुम क्या सुबह को गाय का गोबर उठाते थे? नहीं ना, तुम सुबह क्यों नहीं पढ़ा तुमने? भाई तू क्या कुछ भी ये सब बातें उसके सामने थोड़ी करते यार, बच्चे के सामने सब बात करते। ज्यादा हंसो मत, तुम्हारे माँ ने तुमको आज बचा लिया, नहीं तो कल पीटीएम में देखना तुम्हारा टीचर तुम पे हंसेगा जब मैं तुम्हारे कान खींच के तुमको मारूंगा। इसके बाप ने तो मेरी लगा रखे, इसको तो कुछ बोल भी नहीं सकते। जाओ जाके चाय बना के लाओ, दिमाग खराब कर दिया। इज्जत ही नहीं है मेरे को, घर में रहता है कि वो इनको निकाल देना चाहिए। अरे रुको, तुम्हारा सर दुखता है, रुको चाय बनाती हूँ, तुम बैठो।